लोकसभा में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित एक बार फिर राजनीति में वापस आ गई हैं। पिछले 5 वर्षों से घर में बैठी हुई थी। पिछले दिनों कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अब लोकसभा के जो नॉर्थ ईस्ट का जो सीट है उस पर उनको उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। उनके अपोजिशन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे हैं। आप देखना ये होगा कि तीनों अपनी पार्टी से लोग ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है और मुकाबला और भी रोचक हो गया है क्योंकि तीनों इसी जाति से आते हैं। इसको लेकर वोट का बंटवारा कैसे होता है आपको समय ही पता चलेगा। इतना जरूर है कि तीनों पे शीला दीक्षित भारी दिख रही हैं क्योंकि उनका एक चेहरा है, उनका एक ब्रांड है, उन्होंने दिल्ली में कुछ जो काम किया है, लोग उनकी अपनी पहचान है जो जनता तक जनता से काफी करीब रह चुकी है। अब तो समय ही बताएगा कि चुनाव जो 12 मई को होने वाला उसमें किसका रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा। इतना जरूर है कि इस दिल्ली के 7 लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा जो रोचक जो मुकाबला है वो इसी सीट पर है क्योंकि शीला दीक्षित का दीक्षित के भी प्रतिष्ठा गांव पे लगी हुई है। क्योंकि अभी तीनों नेताओं में देखें तो शीला दीक्षित काफ़ी सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं और इनका एक ब्रांड है जिसकी वजह से। जब दूसरी तरफ एक सिंगर हैं, गायक हैं, पॉलिटिकल करियर उनका कोई खास नहीं रहा है। मनोज तिवारी का सांसद रहे हैं मगर जो जिस तरह का जो पोर्टफोलियो शीला दीक्षित का है उसके सामने दोनों जो कैंडिडेट हैं वो फीके पड़ जाते हैं। अब देखना ही होगा कि दिल्ली की जनता किसको चुनती है, वो आने वाला समय ही बताएगा। आप जबरदस्त से आए हैं, दूर से आए हैं, पास से आए हैं, तो आप लोगों को ही कांग्रेस के बारे में चर्चा करनी चाहिए और जो लोग कांग्रेस को नहीं समझते हैं उन्हें कांग्रेस के बारे में समझाना चाहिए कि हमें एक ऐसी सरकार हिंदुस्तान में मिल जाए जो देश को फिर आगे निकल जाए और आपका हमारे को सम्मान मिले कि हम काम कर सकें और आगे बढ़े।